अब हमने ऐसी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है कि जिसमें जो हमारी इंडेक्स या उसकी जो पावर होगी दैट विल बी अ रैशनल नंबर और दैट विल बी अ नेगेटिव इंटीजर. फॉर एग्जांपल एन में हैव अ वैल्यू माइनस वन और एन आपके पास वन बाय टू के इक्वल हो, ए प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाय टू हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास रिलेशन है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दैट इज वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन दैट विल बी इक्वल्स टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. तो ये आपके पास एक जनरल टर्म बनेगी दैट विल बी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू. हियर यू कैन सी दिस इज द जनरल टर्म एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन. एन माइनस थ्री होगा, फिर एन माइनस फोर होगा, चलते चलते एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर. सो दिस इज द जनरल टर्म. आप इसको जनरल टर्म भी कह सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, अप टू सो ऑन. बाय डेफिनेशन अगर आपके पास एन या तो नेगेटिव इंटीजर हो या आपके पास रैशनल नंबर हो तो इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं होगी, इट विल गो टू इन्फिनिटी. और यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लायर है, वो ये है कि एक्स जो हमारा वेरिएबल है उसकी मॉरुलस वैल्यू दैट विल बी लेस देन वन. यानी कि एक्स की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी और माइनस वन तक जाएगी. और सिंपली यू कैन से दैट एक्स में आप पॉइंट्स वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं जो वन से ग्रेटर नहीं होगी और माइनस वन से लेस नहीं होगी. नाउ यू विल सी दैट एग्जांपल है कि हमारे पास एक्सप्रेशन है वन माइनस टू एक्स रेज टू पावर वन ओवर थ्री. इसको हमने फोर टर्म्स तक एक्सपैंड करना है. तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वन प्लस एन एक्स, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे. सो वी हैव वन माइनस टू एक्स. इसको अब हम पहले एक जनरल शक्ल बनाएंगे ताकि हम उस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें. सो वन माइनस टू एक्स कैन बी रिटन एज वन प्लस माइनस टू एक्स रेज टू पावर वन ओवर थ्री. सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे जो फॉर्मूला अभी था, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो प्रीवियस केस में हमने फॉर्मूले में था, दिस इज बेसिकली बीइंग रिप्लेस्ड बाय माइनस टू एक्स. और n जो हमारे पास है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री. नाउ फर्दर मोर थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी दैट विल बी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू माइनस टू एक्स इन रेज टू पावर थ्री अप टू सो ऑन. तो ये आपके पास बन जाएगा वन माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू माइनस एट एक्स क्यूब एंड सो ऑन. सो दिस विल बी आवर लास्ट फॉर्म, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस स्टेप इज बेसिकली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेप. सो लास्ट जो इसकी शक्ल आपके पास आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज वन माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस फोर बाई नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी बाई एटी वन एक्स क्यूब एंड सो ऑन. सो दीज आर द फोर टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन. आपने देखा कि इसमें जो हमारे पास इंडेक्स था दैट वॉज अ रैशनल नंबर, और अगेन x की वैल्यू दैट शुड बी x मॉडुलस दैट शुड बी लेसर देन वन.